हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए चैंट करने के लिए सिंग करने के लिए और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवत का जिन जिन को रीड करना हो कृपया हैंड रेस करें हंसा माता जी प्लीज स्टार्ट हरे कृष्णा प्रभु जी आदरणीय माता मैंने पहले ही आपको ही परम सत्य जानने का मार्ग बता दिया है जिससे मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा एवं उनके संबंध के वास्तविक सत्य को समझ सकता है। दार्शनिक शोध का एक लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना है। इस ज्ञान को प्राप्त करके जब मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है तो उसे भक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। मनुष्य को चाहे
प्रत्यक्षतः भक्ति से हो या दार्शनिक सोच से हो, एक ही गंतव्य की खोज करनी होती है और वह है भगवान। तात्पर्य, भगवत गीता में कहा गया है कि अनेकानेक जीवन पर्यंत ज्ञान योग का शोध करने के बाद अंततः मनुष्य उस बिंदु पर पहुंचता है जहां उसे ज्ञात होता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, अतः वह उनकी शरण में जाता है। ऐसे ज्ञान योग की शोध करने वाले बिरले महापुरुष हैं। यदि ज्ञान योग की खोज करके कोई भगवान को प्राप्त नहीं होता तो यह समझिए कि सारा श्रम व्यर्थ हुआ। उसे तब तक ज्ञान की खोज करनी पड़ती है जब तक कि वह भगवान की भक्ति को नहीं समझ लेता। भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में आने का अवसर भगवत गीता में दिया हुआ है, जहां इसका उल्लेख है कि जो लोग चिंतन तथा योगाभ्यास जैसी अन्य विधियों का सहारा लेते हैं उन्हें कष्ट मिलता है। योगी या कुशल ज्ञानी अनेकानेक कठिनाइयों के बाद भगवान तक पहुंच सकता है, किंतु उसका मार्ग अत्यधिक कष्टप्रद होता है, जबकि भक्ति का मार्ग सबों के लिए सुलभ है। मनुष्य को ज्ञान योग का फल केवल भक्ति करने से प्राप्त हो सकता है, और जब तक मनुष्य अपने चिंतन द्वारा भगवान तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसकी सारी खोज केवल खिलवाड़ होती है। पटु ज्ञानी का अंतिम लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य है, किंतु ब्रह्म तो परम पुरुष का तेज है। भगवान कृष्ण भगवत गीता 14.27 में कहते हैं, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य व्ययस्य च, मैं निराकार ब्रह्म का आधार हूँ जो अविनाशी तथा परमानंद है। भगवान समस्त आनंद के सागर हैं जिसमें ब्रह्मानंद सम्मिलित है, अतः जिसकी भगवान पर अविचल श्रद्धा है वह पहले ही निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए, वस्तु स्थिति ये है, रियल सिचुएशन ये है, सब कोई अलग अलग विधि से, सब कोई अलग अलग तरीके से, अलग अलग लक्ष्य के प्रति जागरूक दिखाई देते हैं। हम क्या देखते हैं कि किसी को धन चाहिए, किसी को मान चाहिए, किसी को बल चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए। असलियत ये है कि भ्रम की अवस्था में वो कुछ भी बोल सकता है, परंतु उसको चाहिए मात्र एक चीज, क्या? भगवान। ये बहुत अविस्मरणीय बात है कि सब कोई भगवान को ढूंढ रहा है। जो धन को ढूंढ रहा है वो धन के ऐश्वर्य को ढूंढ रहा है, और धन का ऐश्वर्य किससे आएगा? भगवान। जो ज्ञान को ढूंढ रहा है, तो ज्ञान बहुत विभक्त हो सकता है। कभी सोचे हम ये करेंगे, हम ऐसे जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हमारा जीवन इसलिए है, हम ये करना चाहते हैं, हम ये करेंगे, हमारा लक्ष्य ये, बहुत कुछ सोच सकता है, परंतु सभी सोच का लक्ष्य क्या है? जितना कुछ समझा उसका लक्ष्य क्या है? तो बाकी सब ज्ञान हो सकता है,
परंतु भगवान ज्ञेय है। ज्ञेय का अर्थ कोई जानता है? हरे कृष्ण इस ज्ञेय जानने का लक्ष्य करने का लक्ष्य हाँ जानने योग्य। तो बाकी सारा ज्ञान हो सकता है परंतु भगवान क्या है? ज्ञान नहीं है, भगवान ज्ञेय है जिनको जाना जाए। कोई धन भी चाह रहा है तो एक्चुअली में भगवान को ही चाह रहा है। मूर्ता में वो धन को ही संपूर्ण समझ लेता है परंतु स्थिति क्या है? हमको जानना है कि धन तो है, धन हमें आकांक्षा है, धन की आकांक्षा है, पर धन किसके पास है? हम बीच रास्ते में ही अपना बिछा करके वहीं पे सो जा रहे हैं। घर से निकले बीच रास्ते में कहीं बिछा करके सो गए, उसमें आनंद नहीं है। उसको समझ में नहीं आया लक्ष्य क्या है। और धन कमा लिया तो सोचता है धन कमा करके बहुत अच्छा कर रहा है। कोई मान कमाना चाहता है, कमाए बिल्कुल कमाए, परंतु बस एक प्रश्न का उत्तर देकर। मान तो कमाया है परंतु संपूर्ण मान किसके पास है? सबसे अधिक मान किसके पास है? ज्ञान अर्जन करना है करे, परंतु एक बात जान कर सारे ज्ञान का लक्ष्य क्या है, सारे ज्ञान का ज्ञाता कौन है, किससे सारा ज्ञान उद्भूत हो रहा है। और यही नहीं, सारे ज्ञान को जान करके हम किसको जानेंगे? तो अगर सपोज कीजिए आपको हम बीच रास्ते में छोड़ दें, बाकी सारा पथ जो है वो बीच रास्ते में छोड़ देता, क्योंकि आगे का रास्ता मालूम ही नहीं है। आगे का रास्ता मालूम ही नहीं है, भौतिक आंखें वो रास्ता देख ही नहीं पाती। ये तो गुरु हम पे कृपा करते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण हम रखते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने के बाद आध्यात्मिक रास्ते मिल जाते हैं, हम उस पे चलते हैं, सफल हो जाते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है, आध्यात्मिक रूप से सफल होना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है। देखिए मुश्किल तो तब होता है जब आपको करना पड़ता। सपोज कीजिए कि कोई ऐसे रास्ते पे चलने बोल दें जो रास्ता आपको पता ही ना हो, मुश्किल हो जाएगा। परंतु बोले सुनो इधर, तुमको सीधा 1 किलोमीटर जाना है, उसका जीपीएस बोलेगा राइट टर्न, तो जीपीएस बोलेगा राइट टर्न, तो क्या करना है? राइट टर्न कर लेना। उसके बाद 3 किलोमीटर आगे जाना है, उसका जीपीएस बोलेगा लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न बोलेगा लेफ्ट टर्न कर लेना। उसके बाद 21 किलोमीटर आगे जाना है और बोलेगा जीपीएस योर डेस्टिनेशन इज ऑन द लेफ्ट। है अगर हमारा जीवन का सफर कोई इतना सरल बना दे और उसके बाद हम नहीं चले तो कारण कौन है? कोई और। हम अगर असफल हैं तो उसका कारण कौन है? हम संघर्ष कर रहे हैं उसका कारण कौन है? हम प्रेम में स्थित नहीं है उसका कारण कौन है? हम स्वयं।
हम स्वयं ही कृष्णा को नहीं पाना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। माया के प्रभाव में हम सत्य से ही द्वेष करने लग जाते हैं, सत्य को ही दुश्मन समझने लग जाते हैं। आप सोच के देखिए, आप लोगों ने स्वयं भी देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, लाइव में भी देखा होगा, क्या होता है, बहुत सारे लोग, और उसमें से अधिकतर लोग न जानते हुए, और न जानते हुए तो उनको कृपया माफ करते जाइए, मतलब उनका ये मत लीजिए कि उनने चला करके गलत। वो क्या करते हैं, अबूझ तरीके से न जानते हुए मूर्खता में क्या करते हैं, मुझको ही अपना दुश्मन समझ लेते हैं। गुरु के पद पे जो हो या गुरु हो उसको अपना दुश्मन समझ लेते हैं। अब सोचिए, ये कोई भी सामान्य दृष्टि वाला कोई ऐसा कर सकता है, जिसकी दृष्टि खराब ना हो वो ऐसा कर सकता है, जो बीमार ना हो, जो अस्वस्थ ना हो वो ऐसा कर सकता है। आपको कष्टों से निकालने को ये आ रहा है, आप उसी के प्रति द्रोह कर रहे हैं। ये कौन करेगा, बेचारा जो कष्ट में संघर्ष कर रहा है वही करेगा। तो जब मैं इस तरीके से देखता हूं कि लोग संघर्ष कर रहे हैं, बुरा जरूर लगता है, परंतु अगर वो मेरा अहित भी कर रहा हो तब भी मैं उनका बुरा नहीं मानता। बुरा लगता है कि वो संघर्ष कर रहा है। जीवन संघर्ष करने के लिए तो नहीं है। क्यों संघर्ष कर रहा? हम संघर्ष करने के लिए नहीं है, तो हम संघर्ष क्यों कर रहे? बहुत अजीब स्थिति। माया इस तरीके से पासा चलती है कि हमें लगता है कि हम जीत रहे, परंतु होता कैसा है, हम हारते रहते हैं। हम अपना जीवन का सब कुछ हारते रहते हैं। माया देवी कभी हमारा बुरा नहीं करती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग माया देवी से द्वेष करने लगे हैं, माया देवी आप कितनी बुरी हैं, हमारा बुरा करती है। हम स्वयं ही अपनी स्वतंत्रता को इस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं कि माया देवी के पास में बंध जाते हैं। देखिए इस बात को समझिए, बाय द वे किन्हीं डिवोटी ने बताया, मैं आपको एक रियल बता रहा हूँ, किन्हीं डिवोटी ने बताया कि मेरे दिमाग में है ना बहुत सारे बैड थॉट्स आते हैं,
कुछ भी भौतिक संसार में जो संसर्ग होता है तो बुरे विचार आते हैं। देखिए आप सभी अपने जीवन में कोई भी संघर्ष से जा रहे हो, यकीन मानिए वो संघर्ष से आप निकल सकते हैं, परंतु प्रयास कीजिएगा तो। ऐसे नहीं, वो बहुत जो डिवोटी है वो बहुत फॉर्चुनेट है कि उनको आंसर मिल रहा है, और आंसर मिल रहा है तो सॉल्यूशन भी मिल रहा है। ऐसे ही नहीं थ्योरेटिकल ज्ञान है, बुक में लिख दिया, सॉल्यूशन होगा ही होगा, आज्ञा पालन कीजिए सॉल्यूशन होगा ही होगा। हाँ बहुत बार क्या होता है कि जैसे डॉक्टर के पास जाइए ना, अगर डॉक्टर के पास जाइए तो बहुत बार इस प्रकार की स्थिति होती है कि डॉक्टर सोचते हैं ये छोटा सा बीमारी है, ये जो बीमारी है कौन सा बड़ा सा बीमारी है, छोटा बीमारी है। तो क्या करते हैं वो एक नॉर्मल सा दवाई लिखते हैं और बोलते हैं हाँ ये कर लेना ठीक हो जाओ। पेशेंट 5 दिन बाद वापस आता है, बोलता है डॉक्टर साहब जो दवाई लिखी उससे हमारा कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, चलो ये 2 टेस्ट करवा कर दिया। फिर डॉक्टर को पता चलता अच्छा बीमारी तो कुछ और ही है। तो ऐसा बहुत बार हो सकता है, हैं कि बीमारी कुछ और ही निकले, और अधिकतर बार ये बीमारी कुछ और मालूम है कब निकलेगी, जब लोग अपनी बीमारी बताएंगे नहीं। क्या क्या हो रहा है ये तो आप ही बताइएगा ना। तो सबको ही अपने बुराई से मलिन स्थिति से निकल सकते, सबको ही निकल सकते, परंतु कब, जब वो प्रयास करेंगे तो। क्या होगा, आप अधूरा प्रयास कीजिएगा या प्रयास नहीं कीजिएगा तो कभी भी सफल नहीं होगी। कोई अधूरा प्रयास करे, बोले कि हम प्रयास नहीं करेंगे या हम कम प्रयास करेंगे, तो उसमें सफलता नहीं होगी, असफलता निश्चित, सफलता नहीं होगी। प्रयास तो पूरा करना पड़ेगा, चैलेंजेस आएंगे प्रयास करेंगे सफल हो जाएंगे, चैलेंजेस आएंगे प्रयास नहीं करेंगे असफल हो जाएंगे। कौन सा चॉइस पसंद है वो बता दीजिए। कुछ लोग चाहते हैं ना जीवन में चैलेंजेस ही नहीं आए, संघर्ष नहीं आए, तो एक काम कीजिए, अभी सपोज कीजिए कि सर्दी है और अनुभव करना है कि सर्दी ना लगे, तो क्या करना पड़ेगा हमें। या दुख है और अनुभव करना है कि दुख ना लगे, अनुभव करना है, दुख तो है, अनुभव करना है कि दुख ना लगे, क्या करना होगा। यस आप लोग बताएं, जल्दी बताएं। दुख है, अनुभव करना है कि दुख नहीं है, क्या करना होगा है? क्या करना होगा बताइए। भौतिक जगत में दुख होता है, लोग अनुभव करने के लिए कि दुख नहीं है क्या करते हैं,
मेंटल स्पेकुलेशन और क्या करते हैं भौतिक जगत में, इस जगत में दुख है पर दुख नहीं अनुभव नहीं करते, क्या करते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस। ओके, और दुख है पर अनुभव करना दुख नहीं है। यस, अनुभव करना ही बंद करना है। कैसे पॉसिबल है? इंद्रिया काम करना बंद कर देंगे। भौतिक जगत में दुख है और अनुभव करना है कि दुख नहीं है, क्या करना होगा? बुद्धि में कृष्णा को, भौतिक जगत में बोले तो प्रभु जी, इंद्रियां अगर कृष्णा सेवा और कृष्णा में लगाएं तो भौतिक जगत में बोल रहे हैं माता जी, भौतिक जगत में बोल रहे हैं, भौतिक जगत में बोल रहे हैं, भौतिक जगत में बोल रहे हैं, भक्ति करना चाहिए कृष्णा को, बुद्धि को कृष्णा में लगाना चाहिए, कृष्णा क्या बोल रहे हैं? भौतिक जगत में किसी को दुख है, उसको अनुभव करना है कि दुख नहीं है, वो क्या करता है? प्रभु जी इंद्रिय तृप्ति। यस, और कोई? सम पीपल डू इंटॉक्सिकेशन। नहीं, सम को हटा दीजिए माता जी, सम को हटा दीजिए, कुछ कर नहीं सकते, गलत जवाब। खुशी ढूंढते हैं, मिलेगा नहीं। सम को हटा दीजिए, आश्लेषा माता जी, सम को हटा दीजिए। पीपल डू, ऑल पीपल डू इंटॉक्सिकेशन। तो अगर भौतिक जगत में सोच के देखिए, हमारा दिमाग भौतिक जगत में भक्ति तो भूल जाइए, हाँ ठीक है, भौतिक जगत में देखिए, अगर सपोज कीजिए दर्द है और अनुभव करना दर्द नहीं है, तो किसी ना किसी प्रकार का नशा करो ना। जब नशा करेंगे तो क्या होगा, हम अपने अस्तित्व को भूल जाएंगे। अस्तित्व को भूलने से क्या होगा, झूठ को सच मान लेंगे, माया, खुश हो जा। यही होगा ना, दुख वाली अवस्था में भी हैप्पी लाइफ। अब आप चाहे उसको बोल दें कि मदिरा पान करता हो, सिगरेट पान करता हो, धन कमाने में लग गया हो, मान कमाने में लग गया हो, इंद्रिय तृप्ति कर रहा हो, सब क्या है, सब नशा का तरीका। कुछ सामने दिखता है, कुछ नहीं दिखता, सब नशा है। बोलते नहीं है पैसे के नशे में चूर हो गया है, बोलते है। जानते हैं वो भी पैसा का नशा होता है, भौतिकवादी भी जानते हैं, मानते नहीं है, जानते हैं। कोई पैसे के नशे में डूबा हुआ, तो स्थिति कैसी है, सब कोई नशा की है। अगर आपको भी कष्ट रहते हुए आनंद चाहिए, जाइए नशा कीजिए, माया देवी नशा कराएंगी, बहुत अच्छा नशा कराएंगी। और मालूम है क्या, जो भक्ति करने का दिखावा करता है उसको तो ऐसा ऐसा नशा कराती है, इतना जोर का नशा, कभी कभी है ना एकदम, मतलब आपने कभी देखा नहीं होगा, आप लोग कहाँ नशा करते। परंतु ऐसे लोगों का संग तो मैंने कभी ना कभी तो किया है, संग करना नहीं चाहिए, परंतु अनुभव के लिए पता चलता है क्या होता है, ऐसा जोर का नशा हो जाता है, चलते चलते रोड पे ही गिर जाते हैं, पता ही नहीं चलता, फिर भी नशा हो रहा है। ये कुछ जैसे चक्कर आता है ना, किसी को चक्कर आए, सबको ही आया होगा, कुछ उसी प्रकार का होता होगा,
आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, और खुश हो रहा है। अरे इससे अच्छा भगवान ने तुमको चक्कर नहीं आया, कितना अच्छा स्थिति बनाया। तुम मदिरा पान करके, धूम्रपान करके चक्कर वाली स्थिति क्यों लेकर के आए? दिमाग सीधा काम कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है? भगवान ने स्वस्थ बना दिया, पसंद नहीं आ रहा, थोड़ा अस्वस्थ हो जाता। तो नशे में लोग अपने आप की स्थिति कुछ गलत मान सकते हैं, अपने आप को उच्च जान सकते हैं, अपना संबंध भगवान से पृथक कोई और संबंध भी जान सकते हैं। परंतु अगर नशा नहीं रहे तो वो बस भगवान का चिंतन करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, भगवान को नमस्कार करेगा, गुरु के आदेश अनुसार कार्य करेगा, भगवान की सेवा करने का प्रयास करेगा। हम जब तक नशे में हैं तभी तक दुख में है। नशे में क्या होता है, अब समझिए, नशे में क्या होता है? नशे में माया ही तो होता है, जो नहीं है उसी को तो स्वीकार करते हैं। एक बात बताइए, छोड़िए सारी बातें, हमको नहीं समझ में आता, हम तो बहुत ही लो लेवल इंसान है ना, हमको बस इतना समझ में आता है। आप में से कोई भी आज पूरे दिन में खुश था क्या, भौतिक जगत में रहते हुए, भौतिक संबंधों में रहते हुए कोई खुश था? जो अपनी अवस्था में किसी प्रकार से एडजस्ट भी कर रहा होगा, वो कल के लिए और कुछ चाह रहा होगा, तब जाकर के सोच रहा होगा कल अगर ये मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, और कल मिल भी जाएगा तो परसों कुछ और चाहिए होगा, इस उम्मीद में कि कल मिल जाएगा, इस उम्मीद में कि ये हो जाएगा, इस उम्मीद में कि सब अच्छा रहेगा, वो अपने आप को खुश रखने का प्रयास कर रहा है। तो यही तो माया है, और क्या है माया? जो नहीं है उसी को सत्य मान लो। अब बताइए, सपोज कीजिए किसी को दुख वाली अवस्था में छोड़ दे, हैं, सॉरी सॉरी ये एग्जांपल के लिए, अगर सपोज कीजिए मैं आपको बोलूं कि मैं जेल आपको ले जा रहा हूं, आपने कोई जुर्म नहीं किया है परंतु आपने आज तक अनुभव नहीं किया ना जेल का जीवन कैसा होता है, तो मैं आपको छोड़ देता हूँ जेल में। बोले ठीक है छोड़ दीजिएगा, पर कब लेने आइएगा? कब लेने आइएगा? हम नहीं लेने आ रहे, हम आपको जेल में छोड़ देंगे और जेल में ही रहिएगा। कब तक? कब तक? अभी तो बस शुरुआत हुआ है, जेल में ही पड़े रहिए। कौन ऐसा जीवन जीना चाहेगा? हम भौतिक जगत में किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? ऐसा जीवन नहीं है क्या? जहां पर जो नहीं है उसी को स्वीकार किए जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि खुश हैं, तो बस रात तक दुखी है, परेशान है, उम्मीदें हमारी कभी पूरी नहीं हो रही है, और सोच रहे हम प्रसन्नता पूर्वक जीवन जी रहे हैं। प्रेम के मार्ग वो छोड़ करके सारे मार्ग में चलने के लिए तैयार है, भगवान की बातें नहीं सुननी है। सोच के देखिए किस प्रकार का विरोधाभास है। बाकी लोग भगवान की बातें जो नहीं सुनना चाहते हैं, तो किस प्रकार का कार्य कर रहे? इसी प्रकार का तो कर रहे, जो नहीं है उसी को स्वीकार कर लेते हैं, किसी प्रकार से उसी में खुश रहने का कोशिश करते हैं, जीवन ऐसे ही चलते रहता है, यही है, हम तो ऐसे ही चलेंगे, बहुत अच्छा। खुश थे क्या? ये क्या सवाल पूछते? खुश थे, जीवन तो ऐसे ही चलता, बताइए इससे ज्यादा मूर्खता वाली स्थिति और क्या होगी, इससे ज्यादा कष्ट वाली स्थिति और क्या होगी। और कष्ट मात्र इतना ही नहीं है, कष्ट ये भी है
कि इतने दर्द से इतने कष्ट से हो जाने के बावजूद लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे कि वो कष्ट में, प्रॉब्लम ये है सभी के पास स्वतंत्र इच्छा, ये कुछ वैसा है कि हम सभी बीमार हैं और हमारे पास एक कार्ड है, आजकल इंश्योरेंस कार्ड होता है ना, हमारे पास एक कार्ड है, कौन सा कार्ड है, स्वतंत्र इच्छा वाला कार्ड, बीमार तो है पर वो स्वतंत्र इच्छा वाला कार्ड क्या बोलते हैं, हम नहीं चला रहे, हमको जिम में रहने दीजिए, अच्छा है मेरा यहीं पे रहने दीजिए, आप जाइए आपको जाना चाहिए, भक्ति करना है जी निकलिए जी, हमको यहीं पर स्वतंत्र इच्छा मेरा है, हम यहीं पर अपना भक्ति कीजिए जी जी अच्छे से कीजिए, हाँ डांस कीजिए, डांस कीजिए जी, हम क्या सोचते हैं कि ये देखिए ये जो व्यक्ति है ना, ये स्वतंत्र इच्छा का कार्ड अपने जेब में रखे हुए हैं, सही बात है उनका स्वतंत्र इच्छा है, वो अपने जो मर्जी पड़े सो करेंगे, हम कौन होते बोलने वाले उनके जीवन में, परंतु स्थिति कैसी है, हम तो निकल गए वहां से भक्ति करने में, वो बेचारे पीछे रो रहे हैं। और जब भौतिक जगत का एक्सपीरियंस जब रोते रहता है तो लोग क्या करता है, नशा करता है, और किसी ना किसी नशे में डूब गए, हमको ज्ञान का नशा, हमको बल का नशा, हमको ये नशा, हमको वो नशा, बट अगर वो सारा नशा नहीं मिलता है तो मदिरा का नशा, ड्रग्स का नशा और क्या क्या नशा, हम सोचते हैं बेचारे का स्वतंत्र इच्छा है भाई, हम उसको कैसे क्या कर सकते हैं, हर किसी को भगवान ने स्वतंत्र इच्छा दिया है, उसको भी दिया है, उपयोग तो कर ही सकता है, ऐसा सोचते हैं, वो उपयोग नहीं वो दुरुपयोग करते, दुरुपयोग वो अपने लिए भी करते हैं, दूसरे का तो बुरा करते ही, अपना भी बुरा ही करते हैं। हरे कृष्ण ऋचा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, एक ही वस्तु अपने विभिन्न गुणों के कारण भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण की जाती है, इसी तरह भगवान एक है किंतु विभिन्न शास्त्रीय आदेशों के अनुसार वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञान योग के मार्ग पर चलकर मनुष्य निराकार ब्रह्म तक पहुंचता है, किंतु कृष्ण चेतना में भक्ति करने से उसकी भगवान में श्रद्धा तथा भक्ति बढ़ती है, किंतु यहाँ यह कहा गया है कि भक्ति योग तथा ज्ञान योग दोनों एक ही लक्ष्य यानी भगवान तक पहुंचने के लिए है, ज्ञान योग की विधि से वही भगवान निराकार प्रतीत होता है, जिस तरह एक ही वस्तु भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न लगती है, उसी तरह एक ही परमेश्वर चिंतन द्वारा निराकार प्रतीत होता है, एक पहाड़ी दूर से बादल जैसी लगती है और इसके कारण अनजान व्यक्ति इसे बादल मान सकता है, किंतु वास्तव में यह बादल नहीं है, यह एक बड़ी सी पहाड़ी है, मनुष्य को प्रमाण से सीखना होता है कि बादल का दृश्य बादल न होकर पहाड़ी है, यदि कोई थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े तो बादल के बदले उसे पहाड़ी तथा हरियाली दिखने लगती है, जब कोई सचमुच ही पहाड़ी पर पहुंच जाता है तो उसे तरह तरह की वस्तुएं दिख सकती हैं। दूसरा उदाहरण दूध का है, जब हम दूध को देखते हैं तो यह सफेद लगता है, जब उसे चखते हैं तो स्वादिष्ट लगता है, छूने पर ठंडा लगता है, सूंघने पर सुगंधित लगता है और सुनकर इसे दूध समझा जाता है, विभिन्न इंद्रियों द्वारा दूध का अनुभव करने पर हम कहते हैं कि यह एक सफेद स्वादिष्ट सुगंधित वस्तु है, वास्तव में यह दूध है, इसी प्रकार
जो लोग चिंतन द्वारा भगवान को खोजना चाहते हैं वे उनके शारीरिक तेज या निराकार ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, और जो भगवान को योगाभ्यास द्वारा पाना चाहते हैं वे उन्हें अंतर्यामी परमात्मा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जो लोग भक्ति योग द्वारा भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं वे साक्षात परम पुरुष का दर्शन कर सकते हैं। अंततः परम पुरुष ही सारी विधियों का गंतव्य है। जो भाग्यशाली पुरुष शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए समस्त भौतिक कल्मशों से पूर्णतया शुद्ध हो जाता है वह परमेश्वर को सब कुछ मानकर उनकी शरण में चला जाता है। जिस प्रकार दूध का वास्तविक स्वाद आंख नथुनों या कानों से न लेकर जीभ से लिया जाता है, उसी तरह मनुष्य परम सत्य का आनंद केवल एक ही मार्ग यानी भक्ति द्वारा प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, भक्त्या माम भिजानाति। यदि कोई परम सत्य को पूरी तरह जानना चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। निसंदेह परम सत्य को कोई पूरी तरह समझ नहीं सकता, एक लघु जीव के लिए यह संभव नहीं है। किंतु भक्ति संपन्न करके जीवात्मा ज्ञान के चरम बिंदु तक पहुंच सकता है, अन्य विधि से नहीं। विभिन्न शास्त्रीय मार्गों का अनुसरण करके मनुष्य भगवान के निराकार तेज तक पहुंच सकता है। भगवान के साथ तदात्म्य या निराकार ब्रह्म के ज्ञान से दिव्य आनंद मिलता है, क्योंकि ब्रह्म अनंत है। तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम, यानी ब्रह्मानंद अनंत है। किंतु इस अनंत आनंद के भी परे जाया जा सकता है, यह गुणातीत है। अनंत को भी लांघने पर जो उच्च पद प्राप्त होता है वह कृष्ण है। श्री कृष्ण की भक्ति से आदान प्रदान द्वारा जो मधु एवं रस प्राप्त होता है वह अतुलनीय है, और वह ब्रह्मानंद से भी बढ़कर है। अतः प्रबोधानंद स्वामी कहते हैं कि कैवल्य या ब्रह्मानंद निसंदेह अत्यंत महान है और अनेक ज्ञानियों द्वारा प्रशंसित है। किंतु यह ब्रह्मानंद उस भक्त के लिए नरक तुल्य है जिसने भगवान की भक्ति से सुख प्राप्त करना सीख लिया है। अतः कृष्ण से साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य को ब्रह्मानंद को भी पार करना सीखना होता है। क्योंकि मन समस्त इंद्रियों की वृत्तियों का केंद्र है, इसलिए कृष्ण को इंद्रियों का स्वामी या ऋषिकेश कहा जाता है। इसकी विधि है मन को कृष्ण या ऋषिकेश पर स्थिर करना, जैसा कि महाराज अम्बरीश ने किया। भक्ति समस्त विधियों का मूल सिद्धांत है। भक्ति के बिना न तो ज्ञान योग और न अष्टांग योग सफल हो सकता है, और कृष्ण तक पहुंचे बिना आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों का कोई चरम लक्ष्य नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। किन्हीं को एक्सपीरियंस करना है क्या? कराएं? सबको एक काम कीजिए, आलती पालती मार करके बैठ जाइए, है ना, एकदम अच्छे से बैठ जाइए सीधा। और पीठ एकदम सीधी, दीवार का सहारा लेना तो वो भी ले सकते हैं, पीठ एकदम सीधी। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन, हमें कृष्णा के बारे में कुछ नहीं मालूम, हमने भक्ति भी नहीं की है, कुछ नहीं मालूम। मान लीजिए, एक बार मान लीजिए। अब क्या करना है? अब ध्यान मुद्रा होती है, इसको ऐसे इस प्रकार से उंगली पर रखिए। हाँ, वेरी गुड, पता नहीं शायद यही होती है, बट कोई बात नहीं, रखिए ना। और क्या कीजिए, सब कोई ओम पे ध्यान केंद्रित कीजिए। ओम बस एक शब्द है, ओम का कोई सोर्स नहीं है। मैं जो अभी बात बोल रहा हूं वो एकदम गलत है, एकदम गलत बात, परंतु हमें अभी 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए यही स्वीकार करना है। हमको कृष्णा के बारे में नहीं मालूम, ओम बस एक शब्द है, ओम और कुछ नहीं जानते, ओम के बारे में कुछ नहीं जानते, भगवद गीता में कुछ नहीं सुना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ओम पे ध्यान केंद्रित करेंगे।
एक्चुअली में किसी और पे भी ध्यान केंद्रित कर सकते थे, बट जब कर ही रहे हैं तो ओम पे ही करते हैं ना। चलिए वापस आइए, हमको कुछ नहीं मालूम है, ध्यान केंद्रित करेंगे। क्या करेंगे? शब्द ओम पे ही ध्यान केंद्रित करेंगे और कहीं। ठीक है, सब कुछ कीजिए कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, समझ में आए। ओके, एक बार अच्छे से ध्यान केंद्रित। एक बात बताइए, सब कोई शांत फील कर रहे ना? हरे कृष्ण, यस या नो? बहुत ही काम फीलिंग आ रही है। यस, बाकी सब कोई ने शांति अनुभव किया ना? अब सोच के देखिए, मैं आपको मूर्ख बनाऊं और बोलूं कि आप कृष्णा को मत जानिए, ओम से शांति मिलती है, आप ओम को ही जानिए, ओम का संबंध कृष्णा से ना बताओ, परमात्मा तक, ब्रह्मन तक ही ले जाकर के आपको रोक दो। हाँ, टेंशन कहीं गायब होगी, है ना? वेरी गुड, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। अब मैं आपको भगवान तक लेकर ही नहीं जाऊं और मैं बोलूं देखिए मेरे पास रास्ता है, ब्रह्मन पे रुक जाइए, एकदम शांति है, आनंद है, बाकी कष्टों से मुक्ति है, और उसके लिए आपको कोई अहंकार से समझौता भी नहीं करना है, अहंकार को लेकर के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना अहंकार करना है कीजिए, मेंटल स्पेकुलेशन करना है कीजिए, कोई कष्ट नहीं है, बस ध्यान केंद्रित कीजिए, ध्यान लगाइए, ध्यान। अब बताइए मुश्किल है? अब सोच के देखिए, आपको जो आप लोगों ने ब्रह्मन पे ध्यान केंद्रित नहीं किया होगा, उनको मैंने 2 मिनट में ये प्रूफ करके दिखा दिया कि आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, निर्विकार ब्रह्म पे आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, परंतु क्या लाभ होगा? अगर हमें कृष्णा नहीं मिले और शांति भी मिल गई तो क्या लाभ होगा? हमें यह जानना होगा, कृष्णा स्वयं बोलते हैं मैं मंत्रों में ओम हूं, ओनली पीस नो लव। बिल्कुल में लोग इस प्रकार से भ्रमित करते हैं, शांत हो जाइए और इंस्टेंटली दिखाई देता है भाई, हम भी कर सकते हैं, 2 मिनट लगता है रिजल्ट दिखाने, जितना भौतिक कार्य करवाइएगा ना उतना आसान होगा, क्योंकि भौतिक के नजदीक है ना आप लोग, कोई भी भौतिक अवधारणा है भौतिकता के नजदीक है, कोई आसान काम करने बोलेंगे तो आसानी से हो जाएगा, कोई मुश्किल काम बोलेंगे भगवान से प्रेम जागृत करना, पहले पूछेगा प्रेम क्या होता है, फिर बोलिएगा भगवान क्या होता है, फिर बोलिएगा कैसे जागृत करना,
बहुत आसान है। अगर निर्विकार ब्रह्म पे ध्यान केंद्रित करें, परंतु आप समझिए ये मूर्खता होगी और ये धोखेबाजी होगी। मैं भी कर सकता हूं, मेरे लिए करना बड़ा आसान है, आप स्वयं देख रहे होंगे। मतलब मैंने सोचा नहीं था, पहले से कोई प्लान नहीं था, और आज से पहले शायद कभी कराया नहीं है, कुछ भी नहीं कराया था, तुम तो करके देख लिया। कोई लाभ नहीं है, हमें शांति तो मिल गई, कृष्णा नहीं मिले, करेंगे क्या? प्रेम नहीं मिला, करेंगे क्या? ये मन में कैसी स्थिति है? ये वैसी स्थिति है कि कभी कभी बच्चा रोता है ना, कभी आप लोगों ने ऐसा कभी ना कभी सुना होगा, आई होप देखा ना हो, देखा होगा तो बड़ा दर्द देखा होगा। कभी किसी और ही कारण से ऐसा भी हो सकता है कि चला करके नहीं, परंतु ऐसा अनुभव किया हो, बच्चा बोल रहा है कि पेट में भूख लग रहा है, माँ कुछ बना नहीं सकती, कुछ है ही नहीं, तो माँ क्या करती है, प्यार से सहला करके सुला देती है, बच्चा वो प्यार में डूब जाता है, वो प्यार में ही डूब जाता है। वो भूख भूल जाता है, भूख लग रही थी, भूल, भूख के कारण रो रहा था पर भूल गया। हम लोग हर चोट को, आपने ये भी अनुभव किया होगा, आपको या बच्चों को कभी ना कभी, बच्चों के साथ तो अक्सर होता है, बच्चे कभी गिर जाते हैं, होता क्या है, जब गिर गए तो चोट कम हो जाती है कि नहीं होती है, पर माँ क्या कहती है, आ ले 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 ले, तो बच्चा रोता रोता चुप हो जाता है, चोट का दर्द कम हो गया क्या, चोट की पीड़ा कम हो गई। हम क्या चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हम शांति, हम प्रेम चाहते हैं, प्रेम के सामने हम झुक जाते हैं, स्वभावतः बच्चे झुक जाते हैं। हम लोग जीवन भर प्रेम के लिए कार्य करते हैं, निर्विशेष ब्रह्म के प्रति दौड़ने लग गया, भगवान भगवान को छोड़ करके किसी देवी देवता के प्रति दौड़ने लग गया, कुछ और के प्रति दौड़ने लग गया, धन के प्रति दौड़ने लग गया, इंद्र तृप्ति के प्रति दौड़ने लग गया, कभी लाभ होगा, कभी फायदा होगा, कभी खुश हो सके, कभी खुश हो सके नहीं पाएंगे, दुख पाएंगे, दुख पाकर के कोई लाभ नहीं है। हमारा जीवन इसलिए नहीं मिला है कि हम दुख पाए। आप सभी को बहुत सारी बातें स्वाभाविक रूप से समझ में आ जाती है, मुश्किल मुश्किल चीजें समझ में आ जाती है। सच बता रहा हूं, ये निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति करने के लिए बहुत समय बर्बाद हो जाता है, लोग बहुत भटकते हैं, परंतु आप लोगों को अनुभूतियां, आप लोगों को समझ बहुत आसानी से हो जाता है, पर इसका दुरुपयोग मत कीजिए। मेरा बस एक ही निवेदन है, दुरुपयोग मत कीजिए। जब समझ में आ जाता है तो अब उस प्रकार से कार्य कीजिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणव मंत्र और
जिनकी नी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना वो हैंड रेस कर सकते हरे कृष्ण प्रभु जी वांछ कल्पतरुभ्य सिंधुभ्य पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः और कल है एकादशी और ये माता जी ने बताया था कि कार्त दामोदर मंथ का जो लास्ट पांच दिन होता है वो भीष्म पंचक होता है, ठीक है। तो पांच दिन का व्रत होता है, इस व्रत के लिए पांच दिन दो तरीके तीन चार तरीके से व्रत किया जा सकता है। और जो सबसे प्रथम स्तर का तरीका होता है, पहले दिन बस गौ का गोबर पा सकते हैं, दूसरे दिन गौमूत्र, तीसरे दिन दूध, गाय का दूध, चौथे दिन गाय की दही, पांचवे दिन पंचगव्य, पांचों को मिला। इस प्रकार से दो तीन तरीके से होता है ये। मैं एक बार फिर माता जी से एक बार पूछ करके आप लोगों को फिर बता दूंगा, कल ऐसे भी, कल तो एकादशी का व्रत। तो चलिए पहले करते दामोदर अष्ट का, उसके बाद फिर। नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियोलोकलाधवमानं परामृष्ट्यमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मोहनेत्रं युग्मं मृदन्तं शराम्भोजयुगेन सातङ्गनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रिरेखाङ्कितग्रैव दामोदरं भक्तिभाद
इति त्रिस्वनीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापय त्वदीयेषु जग्नेषु भक्तर्जिता त्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं ऋणेऽहं वरेषादपि इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन् इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनील घृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तं अलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाति महाग्नम् नमो देव कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रह मामाज्ञमेत्याक्षि दृश्य कुबेरात्मजया मूर्छित भक्ति भाज कृत तथा प्रेम भक्ति स्वताम में प्रयच्छा न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरेहा नमस्ते सुराधिधामे परिधरायाथ विश्वस्य धामे नमो राधिकायाय त्वदीय प्रियाय
नमो नंद लीलाय देवाय तुभ्यम नमो राधिकायाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्त लीलाय देवाय तुभ्यम नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् यशोदाभियोलुखलामृष्ट्यमत्यन्ततोदृत्यगो हरे कृष्ण गुरु जी ज्वाइन करते रहिए एंड करते रहिए कृष्ण का नाम का प्रचार करते रहिए और यस इन्हीं कोई भी ऐसी भी जिज्ञासाएं हैं ऋतु माता की कोई जिज्ञासा है अनम्यूटेड है ओके यस इन्हीं की कोई जिज्ञासा है पूछे पूछे कहीं से भी कोई भी जिज्ञासा कुछ भी पूछिए नहीं पूछना कोई जिज्ञासा नहीं है पक्का हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा ये सुनते प्रभु जी वो मम्मी एकादशी करेगी तो मतलब पूछने वाली है कुछ अच्छा उनकी कोई जिज्ञासा है हाँ पूछिए हाँ हरे कृष्णा हरे प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा ये हम कल से एकादशी रखेंगे तो मतलब कल रख सकते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं तो मतलब खाना उना मतलब तो नहीं खाना है बताई है निर्मला माता जी देखिए माता जी यथा संभव रखना चाहिए हाँ देखिए ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से ही रखना है हाँ तो वही प्लीज समझिए इस डिवाइन कृष्ण प्रपाद ने साफ साफ ये इंस्ट्रक्शन दिया क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि हम लोगों का जो संभव स्थिति है हम उस प्रकार से रखें जरूरी नहीं है कि आपकी वैसी स्थिति हो जैसी मेरी स्थिति है मेरी शारीरिक अवस्था कुछ और है आपकी कुछ और है ठीक है तो आप अपने अनुसार रखिए है ना ऐसा मत कीजिए अपने शरीर को इस प्रकार से आप प्रताड़ित कर रही हैं कि आप भक्ति नहीं कर पा रही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कृष्णा का नाम जपना चाहिए कृष्णा का चिंतन होना चाहिए और देखिए एकादशी का व्रत करने का मेन पर्पस क्या होता है कि जो ये सारी जो भी गतिविधियां हैं जैसे खाना बनाने से लेकर के खाना खाने तक और फिर जो वेस्ट निकालते हैं ये सारी गतिविधियों को रोक दीजिए वो शारीरिक रूप से भी अच्छा है शरीर के लिए भी अच्छा है वो सारी गतिविधियों को रोक करके उस समय को कृष्णा के चिंतन में लगे एक्चुअली में लॉजिक ये ठीक है परंतु गृहस्थ होने के कारण क्या होता है कि हम घर वाले के लिए बनाना पड़ता पर फिर भी कम कार्य कीजिए ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल एकादशी का व्रत करना चाहिए
जिस प्रकार की स्थिति हो उस प्रकार से दीजिए। अगर शरीर आपका कमजोर लग रहा है, आपकी आवाज से ही लग रहा है कि तबीयत आपकी ठीक नहीं लग रही, अगर ठीक नहीं है तो पहले बिल्कुल तबीयत का ध्यान दीजिए, है ना। ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए कि शरीर तो मेरा चल नहीं रहा है, हम तबीयत का ध्यान देंगे नहीं, तो हम सबसे पहले एकादशी करेंगे, ऐसा गुरु ने आदेश नहीं दिया, है ना। परंतु एकादशी बिल्कुल रखेंगे, क्या कीजिए, फल फल पा लीजिएगा, अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो फल पाइएगा। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मम्मी पूछ रही कि जैसे मेडिसिन भी लेती है मम्मी, क्या तो ले सकती है मेडिसिन, लेती है जैसे मॉर्निंग के मेडिसिन है। बिल्कुल लेना है, मेडिसिन अलाउड है। और वो एक ही एकादशी करेंगी, जैसे मैंने निर्जला वाला बोला है करने, तो ये कार्तिक वाला मतलब बोल रही कि ठीक है ये वाला भी मैं कर लेती हूँ। नहीं नहीं, देखिए देखिए उनको बोलिए सारी एकादशी करें, परंतु क्या करें, वो रिलैक्स्ड वाली एकादशी करें, जैसे सुबह से फल पा रहे, दिन में चार बार फल पा करके एकादशी कर सकती है ना, चार बार फल पा करके, एक बार कुछ वो जो कूटू का कुछ बनता है, सिंघाड़े का बनता है, वो सब बना करके एक बार वो पाले, बाकी सुबह से तीन बार फल पाले, ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है। हरे कृष्णा। यस यस निशा माता जी बताए, इसमें कोई कष्ट है। हरे कृष्णा, तुम ही बोलो ना, बताइए ना माता जी, डरिए मत। ओ हरे कृष्णा। यस माता जी। ओ मम्मी बाहर चली गई थोड़ा देर के काम से। परंतु देखिए उनको, देखिए ये बात समझिए, हम लोग जब एकादशी करते हैं ना तो हमारा मन निर्मल होता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मन निर्मल होते जाए होते जाए होते जाए। निर्मल नहीं होगा तो फिर कठोर रहेगा। निर्मल मन के साथ भगवान की भक्ति की जा सकती है, कठोर मन के साथ नहीं। माता जी तो माता रही हैं और माता हैं, उनसे पूछिए कि आपकी कभी तबीयत खराब हुई है, कभी भी तबीयत खराब हुई है, जब आपकी सेवा करती हैं तो आपसे प्रेम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता है। जब आपकी तबीयत खराब होती है, जब आपकी सेवा कर देती है, तो प्रेम ऑटोमेटिकली उनका बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता है, उनने कुछ नहीं किया। तो जब हम सेवा करते हैं तो हमारा प्रेम और जागृत होता है। कृष्णा की सेवा में हमें कम से कम इतना तो कर लेना, ये बहुत मुश्किल नहीं, आसान किया जा सकता। हर एकादशी का व्रत का पालन कीजिए, परंतु हाँ रिलैक्स्ड वाला। मैं पहले ही बोला था, माता जी की आवाज सुनकर के ही ऐसा लग रहा था कि उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, तो अच्छी नहीं है तो पहले जो शरीर के लिए जरूरी है वो कीजिए ना, है ना। फल ज्यादा पाना है पाइए, चार बार भी क्या करना है, बस नमक नहीं पाना, अन्न नहीं पाना, इतना ही तो करना है। और अगर नमक पाने का भी हो जाएगा, नहीं हमको तो नमक भी पाना है, तो एक काम कीजिएगा, सेना नमक आता है वो पा लीजिए, एक बार पाइएगा ज्यादा अच्छा है, उससे ज्यादा भी पा सकते हैं बट एक बार पाइए तो ज्यादा अच्छा है। पर कोशिश कीजिए कि सबको ये एकादशी करे, सब्जी बन जाती है, आलू की सब्जी बनती है, आप लोग तो एक्सपर्ट है, मैं क्या बताऊं, वो बना लीजिए, कुछ हलवा जैसा कुछ बना लीजिए, कुछ पा लीजिए, अच्छे से पा लीजिए, ऐसा मत कीजिए नहीं पा रहे, पा लीजिए, कृष्णा को ऑफर कीजिए पाइए, ठीक है। बहुत लोग निर्जला करते हैं, ठीक है अच्छी बात है, उनकी स्थिति है वो कर सकते हैं, आपकी स्थिति नहीं है आप मत कीजिए,
मैंने शुरू में ही नहीं बोला, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा नहीं माता जी आपकी तबीयत खराब है ना, पर देखिए ये एकादशी है ना बहुत कृपालु है, निर्जला कर लीजिए ना, इस प्रकार से कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऐसा गुरु ने बताया नहीं। गुरु हमेशा प्रैक्टिकल ज्ञान बताते हैं, लिख के चिपकाने वाला नहीं, अपनाने वाला, स्वीकारने वाला। यस माता जी। यस प्रभु जी। और मम्मी माला के बारे में सेंटिंग जी के स्कूल है ना, तुम बोलते हो ना कौन बना होता था ऐसा कुछ। अरे कोर्ची टकोरे ऐसा कोरे करते होगे ना, अच्छे तो अनेक करते होगे ऐसा तो फास्ट तो करते हैं। पूछो ना जी स्कूल। हम तो माला एक टकोरे कोरी हिंदी तो माला एक राउंड करती है। यस प्रभु। देखिए बड़ा सरल सा बात बताते हैं, अगर इतना सा कीजिएगा तो कल से चार राउंड करने लग जाएगा। देखिए एक राउंड करते हैं ना कम से कम चार कीजिए। कैसे? सुबह उठिए, कोई भी बोलता है पूरे विश्व में कहीं पे भी जाइएगा वो बोलेगा, जिसको भी भगवान के बारे में थोड़ी सी भी जागृति हो वो सुबह सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए, बोलता है ना। यहाँ पे सबसे अच्छी विधि है हाथ धो लीजिए, गंदे हाथ के साथ माला मत पकड़िए, हाथ धो लीजिए बस। और क्या कीजिए, माला पकड़ करके दो राउंड सुबह सुबह नाम जप कर लीजिए, दो राउंड से 10 से 12 मिनट, बहुत ज्यादा हो जाए 14 मिनट लगे। नहाने की भी आवश्यकता नहीं है, नहा करके जप रहे हैं तो अच्छा है, परंतु अगर नहीं भी नहा रहे हैं तो भी जप सकते। सुबह सुबह नहा करके, सुबह सुबह उठ करके हाथ धो करके, हाथ धोना इतना कर नहीं है, हाथ धो करके दो राउंड कर लीजिए, हो गया दो राउंड हो गया। अब जब भी कुछ पार है उससे पहले एक राउंड कर लीजिए। ये भी सब कोई जानते ही है कि प्रसाद पाने से पहले भगवान का नाम जपते हैं, एक राउंड माला जप लीजिए उसके बाद प्रसाद पा लीजिए, क्या दिक्कत है? चार राउंड पांच राउंड तो अपने आप हो गया, उसके आगे का सोचना पड़ता है, है? जीवन कितना सरल है नहीं। यस माता जी, चार राउंड तो हो जाएगा ना, चार राउंड तो कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, मम्मी कह रही है कल से करेंगी, आई थिंक कल ही करेंगी फिर, कल से करेंगी, कल से अब चार राउंड तो फिक्स हो गया, उसके आगे का आगे करेंगे। चार राउंड से ज्यादा करना होगा तो फिर वो बाद में बात करते हैं, चार राउंड तो कल से हो गया। एकादशी से चेंज आ जाता है, माता जी में भी चेंज आ गया, सब में आता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस हरे कृष्ण बोल दो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? बड़ा सरल है, सच बता रहे हैं, भक्ति करना बड़ा सरल है, आदेश का पालन कीजिए बहुत आसान होगा। और आदेश का पालन नहीं कीजिएगा ना लगेगा कि कितना मुश्किल है, कैसे करेंगे कैसे होगा, आदेश का पालन कीजिए एकदम आसानी से होगा, कोई कष्ट नहीं आएगा जीवन में, कोई कष्ट नहीं आएगा। यस किन्हीं और को कोई संशय है, कोई कुछ जिज्ञासा है? नहीं। हरे कृष्ण। तो फिर कीर्तन सुन सकते हैं? चलिए मैं स्टॉप करता हूँ, कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिएगा। हरे कृष्ण।